आप पिता बनने वाले हैं, आपको काफ़ी लोग बोले, काफ़ी लोग कमेंट किए, आप पढ़े, मेरे भी वीडियो में कमेंट आया कि आप स्मार्ट हैं, ये स्मार्ट नहीं है, अंडरस्टैंड। पहला बात तो देखिए, किसी मेरा बात हो रहा था, मैं यहाँ पर जाकर लिखवाया था PhD, पिंकी शिवम दुबे। पिंकी का भी नाम लिखे? हाँ, लिखवाया था पिंकी शिवम दुबे। दोस्तों, आज मैं दोबारा से पिंकी और शिवम दुबे के पास आया हूँ। मैं गोपालगंज में आया था तो सोचा इन दोनों से मिल लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हम आए थे तो इन दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर के, तो इसीलिए मैं आया हूँ कि अब ये लोग सही है कि नहीं। पिंकी जी, जब आप बेंगलोर से आई थी तो काफ़ी नाराज थी, इनको बोल रही थी, रो रही थी, अभी आप ठीक हो कि नहीं? हाँ, बहुत ठीक है भैया। ठीक है, अब झगड़ा वगैरह नहीं हो रहा है? नहीं, झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है। आप शिवान जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, चलिए ठीक है। उस समय आप जो उतना रो रही थी एक दूसरे चैनल पे, तो कारण क्या था रोने का? कारण यही था, जब बेंगलोर में हम लोग का झगड़ा हुआ था और यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे कुछ ये बात बोले थे, तो उस बात के लेके मेरे को तकलीफ लगा था, दुख लगा था कि देखो मैं इतना कष्ट काट रही, इतना दुख में झेल रही हूँ, तभी ऐसी बात मेरे को सुनने को मिल रहा है, तकलीफ लग रहा था, इसीलिए मैं रोई। और अपने घर वालों से बताती नहीं हूँ, कोई भी बात हो मैं अपने घर वालों से बताती नहीं हूँ, तो इसी बात के लिए। अच्छा, मतलब कोई बात आप लोगों में हुआ होगा, है ना? अच्छा, रास्ता में जब बेंगलोर से आप आई तो 3 दिन का सफ़र है, आपको दिक्कत नहीं हो रहा था? बच्चा भी है ऊपर से? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, हम सो के आए हैं, बैठे मुझे हमसे थोड़ा सा भी नहीं बैठा जाता था। रास्ते में बढ़िया से खाना ना खिला रहे थे? खाना मैं खुद को नहीं खाती थी, जे मैं वहाँ ट्रेन में तो आप समझ जाइए, तो मैं खुद को खाली फ्रूट व्रूट पीती थी और फल वल खा के बस यही मैं खा के आई हूँ ट्रेन में। खाना वाना मैं छू भी नहीं की हूँ, बाथरूम ट्रेन में। 3 दिन का सफर है तो बाथरूम तो जाना पड़ेगा ना? तो वही सुबह जाते थे और उसके बाद से बैठने में दिक्कत होता था, सभी दिक्कत होता था, बहुत काट के भैया साला। जनरल एसी में आए, एसी बोगी में हम आए हैं। काफी पैसा लगा होगा? बहुत ज्यादा पैसा लगा है। बताइए, इतना आपका ख्याल करते हैं और आप झगड़ा कर रहे हैं क्यों? झगड़ा इस बात का करते हैं जो देखिए, कोई भी इतना मानते हैं, कोई माने जाने या फिर ऊपर से कोई उल्टा सीधा बात बोले कहे तो बुरा लगेगा नहीं, आप बताइए। इसीलिए वो बात ठीक है, आप दोनों को कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ इनके बात को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको भी इनके बात को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना? जैसे मान लीजिए आप लोग झगड़ा करेंगे तो दूसरा कोई फायदा उठाएगा, आप समझती है? हाँ, लोग उठा रहे हैं, पहले वाले जो झगड़ा में वीडियो हमारा चल रहा है, लोग फायदा उठाया है, बट मैं फायदा उठाने दूंगी नहीं। मैं तो सोच रही हूँ वो आदमी फायदा उठाए ताकि हम भी उठाए उसके साथ। चलिए ठीक है, आप लोग अपने चैनल पे वीडियो डाल रही है कि नहीं? कहाँ डाल रहे हैं, एक बार वीडियो डाल भी की, आप देख भी करते हैं हमारे चैनल पर, कहाँ उतना वीडियो जा रहा है। चलिए ठीक है, अब आपका बच्चा हो जाएगा तो उसके साथ वीडियो बना के डालिएगा, है ना? सही बात है। अरे शिवम जी, आप बताइए, आप लोग जो टिकट बनवाए थे एसी का, कितना पैसा लगा था? एक टिकट में 2500 रुपये लगा था। 2500 लगा था? बताइए, इतना ख्याल आपका कर रहे हैं एसी में आपको लेके आए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ पे आते आते आप लोग झगड़ा कर लिए क्या? देखिए, झगड़ा होने में कुछ बात को लेकर मनमुटाव हुआ हुआ था जी। अब मनमुटाव खत्म हो गया है? अभी देखिए, शिवम जी अपने वाइफ के लिए फल उल सब लाए हैं, यहाँ पे आम है, उधर बहुत सारा फल है, और इनकी माँ भी कुछ लाई है फल, तो दोनों मिला के काफ़ी फल लाए हैं इनके लिए, ताकि ये स्वस्थ रहे, उनका बच्चा स्वस्थ रहे, है ना पिंकी जी? सही बात है। और बच्चा जब हो जाएगा तो यहीं पे रहिएगा कि अब जाइएगा अपने इनके घर पे? नहीं, इनके घर पे कहाँ से, इनके घर पे मैं कौन लेकर जाएगा, मैं अपने घर पे जाऊंगी। ये लेकर नहीं जाएंगे? ये लेकर कहाँ जा रही, इतना दिन से लेकर जय भी नहीं कर रहे हैं, आप लेके जाइएगा कहाँ पे, अपने घर पे इनको? देखिए, हम तो कोशिश करते हैं मगर जब अभी मम्मी पापा हमारे तैयार नहीं रहते, हम कैसे लेके जाएं? इनका जो बचवा होगा तो दौड़ के चला जाएगा, तो रुकिएगा, बचवा हमारा होगा तो उधर जाएगा, आपसे भी नहीं पूछेगा, आपसे पापा से भी नहीं पूछेगा। ये तो बात सही है, फिर क्या होगा बताइए? जब हमारा बच्चा होगा तो बच्चा चल जाएगा ही, वो तो रुकेगा नहीं, और वो जाएगा तो अपने मम्मी को छोड़ेगा नहीं, आप इसी का इंतजार करेंगे, आएगा तो वही जवाब देगा। हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ, देखिए हमें भी कोई भी कुछ कह ले कर ले, जिस दिन हमारा लड़का होगा अपने पैर पर जब खड़ा होगा तो तब अपने आप से तो सब कुछ कर ही हासिल कर ही लेगा, तो मैं चुप बैठी हूँ, चलो जितना कष्ट उतना झेलने दो मुझे, वो होगा तो सब कुछ फरिया लेगा, सब कुछ
कर लेगा। अरे शिवम जी, आप पिता बनने वाले हैं, आपको काफी लोग बोले, काफी लोग कमेंट किए, आप पढ़े, मेरे भी वीडियो में कमेंट आया कि आप स्मार्ट हैं, ये स्मार्ट नहीं है। सबसे पहला बात तो देखिए, जो कमेंट आता है, मतलब हम लोग चैनल पे उतना कोई कमेंट आ नहीं रहा है। हमको ये नहीं समझ आता कि हमारे चैनल पर कमेंट नहीं आता, जो भी चैनल आता है, मतलब जो भी आप लोग जैसे हैं, आप लोग पे ही आता है, और आप लोग मतलब जो भी करते हैं जी, हमारे पे आते हैं तो पढ़ता तो सब कोई है ना, आप भी पढ़ते होंगे। नहीं, मैं कमेंट किसी नहीं पढ़ता, मतलब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। पिंकी जी, आप पढ़ती है ना? आपका कमेंट कभी कभी थोड़ा बहुत देखे हैं। उस पर क्या बोलिएगा? क्या बोलूंगी, जिसका जैसा सोच वैसे अपने सोच को रखते हैं चैनल पे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, बाकी इन लोगों का जिंदगी अभी सही चल रहा है, अभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले ही हम लोग आए थे तो काफ़ी इन दोनों में नोकझोंक हुआ था, मगर आज लग रहा है कि ये लोग दोनों खुश है। शिवम जी, आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का अभी देखिए, अभी कोई प्लान नहीं किया हम लोग, जॉब अब तो करना पड़ेगा ना, बेंगलोर से आप आए हैं तो करना ही पड़ेगा। जब लड़का हो जाएगा तो पिंकी को और अपने लड़के को पिंकी के घर छोड़कर और फिर मैं बाहर जाऊंगा। तो अभी तो लड़का नहीं होगा तब तक यहीं पे रहेगा जी? तो आप 2 महीने तक काम नहीं कीजिएगा? अब 2 महीने तक कहाँ से कर पाएंगे, आप ही बताइए। हाँ जी, काम नहीं करेंगे 2 महीने? करेंगे, अपने चैनल पर काम करेंगे, थोड़ा बहुत उसी से अपना जिंदगी गुजारेंगे। 4-5 दिन पे एक वीडियो डाल रही है, तो उससे क्या? तो ये बताइए, मैं वीडियो ऐसे बनाऊंगी, बताइए मैं बना सकती हूँ? वही ना बनाएंगे, वही ना कुछ भी करेंगे, तो बनाई भी नहीं करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। मैं सुना हूँ कि शिवम जी का जो साथ सॉन्ग आते हैं वो भी कहीं भी कभी गड़बड़ा जाता है, तो आप संभालते क्यों नहीं? ओ, हमसे नहीं संभलेंगे, क्योंकि मुझे कुछ समझते ही नहीं है जी। अब आपको तो समझना चाहिए ना कि आपकी एक वाइफ है, एक बच्चा है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा जी, एकदम। चलिए ठीक है, अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे? अंत में हम ये बोलेंगे, देखिए कि मतलब बहुत लोग ऐसा है, मतलब सबका जो वीडियो है चलता है, अब अभी आप कमेंट, अभी आप बोले कि 4-5 दिन पे आप लोग वीडियो बनाए, तो देखें हम लोग अपने चैनल पे वीडियो बनाए तो उतना मतलब हमको दर्शक अभी सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग भी वीडियो उतना चाव से बनाते हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से मतलब जो भी देखता है हम ये बोलेंगे कि हमारे भी थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें। तो लोग सपोर्ट करेंगे तब जब कुछ मिलेगा तब ना, कुछ मिलेगा ही नहीं तो सपोर्ट क्या होगा, क्या जी? सही बात है, अगर वीडियो पड़ेगा तो लोग देखते हैं तो क्या क्या अकाउंट है, तो क्या क्या नहीं, जब आप सो 1 महीना में एक वीडियो डालिएगा तो इसीलिए लोग हट जाते हैं। और एक और बात है, शिवम जी जो है अपने पापा को काफ़ी मानते हैं, इसीलिए मैं चाहूँगा कि एक बार दिखा दीजिए अपने पापा वाला, दिखाइए ना, ये तो बहुत बढ़िया है। देखिए आप लिखे आई लव यू पापा, मतलब अपने पिता को काफ़ी मानते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, लोग लड़कियों का नाम लिखते हैं, हीरो का नाम लिखते हैं। ऐसा बात नहीं है, जब हम मतलब शादी हमारा पिंकी में नहीं हुआ था तो मतलब मैं पापा के पास था, वहाँ पर काम करता था, तो अभी पिंकी से मेरा बात होता था, मैं यहाँ पर जाकर लिखवाया था PhD, पिंकी शिवम दुबे। पिंकी का भी नाम लिखे? हाँ, मैं लिखवाया था, दिखाइए एक बार। इसमें मैं लिखवाया था पिंकी शिवम दुबे, तो मतलब पापा इस पर, तो इस पर पापा कमेंट किए थे कि मतलब जिस लड़की से बात करते हैं माँ बाप से प्यार नहीं है, देखो लड़की से इतना प्यार है कि नाम लिखवाया, उसके अगले दिन में जाके मतलब ये भी लिखवा दिया कि पापा मतलब गुस्सा ना हो। बताइए, अपने पापा को भी काफ़ी है, प्यार करते हैं, साथ में पिंकी को भी करते हैं, इसलिए पिंकी का भी नाम यहाँ पर लिखवाए, देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, मगर नाम लिखवाएं तो उसके लिए कुछ करके दिखाइए, ताकि समाज में आपका भी नाम हो, इनका भी नाम हो, कि आप लोग प्यार किए तो कुछ मुकाम हासिल किए, ऐसा नहीं तो प्यार किया छोड़ दिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, हमसे जितना भी होता हम करते ही हैं।